नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत शर्मा लव भारती परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने कल व्यंजन संधि में जसक्त संधि को पढ़ रहे थे, जिसमें उसके दो सूत्र पढ़ लिए थे। आज हम अनुनासिक संधि को पढ़ेंगे कि अनुनासिक संधि क्या होती है और किस जगह पर अनुनासिक किया जाता है। ठीक है, देखिए अनुनासिक संधि, यरु अनुनाशिके अनुनाशिको वा, यरु अनुनाशिके अनुनाशिको वा। ठीक है ना, पदार्थ यर वर्गों के एक दो तीन चार पाँच स श श य व र ल के स्थान पर उसी वर्ग का अनुनासिक यानी पंचम वर्ग, यानी कि क्या हो जाएगा, पंचम वर्ण जो है हो जाएगा यदि किसी वर्ग का पंचम वर्ण क्या हो, आगे हो। यदि किसी वर्ग का क्या हो दोस्तों, पंचम वर्ण क्या हो, आगे हो। ठीक है ना दोस्तों, अब इसके बाद अपन देखते हैं कैसे हुआ। सत धन मार्ग, सत धन मार्ग, तो इसका क्या हो गया, पंचम वर्ण आ गया, अपन ने आ गया तो सन मार्ग। अब इसका दसत्व संधि में क्या हो जाएगा दोस्तों, विकल्प से सद मार्ग मार्ग सद मार्ग, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, हमने दसत्व संधि में देखा था उसमें एक दो तीन चार पांच के बाद में क्या आ रहा है, यानी कि तीसरा वर्ण आ रहा है और इसमें कौन सा वर्ण आ रहा है, पंचम वर्ण न। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि त के त थ द ध न, तो पंचम वर्ण आ गया है। ठीक है, अब जैसे बाक मूलम, बाक मूलम यानी कि क का कौन सा वर्ण है, पहला। ठीक है ना, क वर्ग का पांचवा, तो इसका होगा बाक मूलम। ठीक है, यानी कि गणा आ गया। ठीक है ना दोस्तों, अब इसको जसत्व में करेंगे विकल्प से, तो उसमें क्या आएगा, तो तीसरा वर्ण आ जाएगा, तो बाग मूलम मूलम। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि यहाँ पर इसका पांचवा वर्ण जो यण है वो कर दिया और यहाँ पर तृतीय वर्ण कर दिया विकल्प से, यानी कि अब तीसरा जो था एतद प्लस मुरारी, तो इसका क्या हो गया दोस्तों, एतन मुरारी, यानी कि त थ द ध न, पांचवा वर्ण कौन सा है, न, तो इसमें क्या कर दिया हमने, एत मुरारी। ठीक है ना, यानी कि इस द के स्थान पर हमने न लगा दिया। ठीक, अब दसत्व संधि में क्या होगा, देखिए एतद मुरारी। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि यहाँ पर पांचवा वर्ण आ रहा है और यहाँ पर कौन सा वर्ण आ रहा है, तीसरा वर्ण आ रहा है। ये हमारा कौन से संधि में, अनुनासिक संधि में। और भी आगे उदाहरण देखते हैं, देखिए दोस्तों दिक धन नाग, तो दिक कौन सा है, वर्ग का पहला वर्ण। ठीक है, कर कौन सा है, वर्ग का पहला वर्ण, तो और इसके स्थान पर कौन सा करना है, अपने पंचम, तो लिंग नाग। ठीक है ना दोस्तों, अब इसका विकल्प से जैसे संधि में क्या बनेगा, तो इसका तीसरा वर्ण हो जाएगा लिंग नाग। ठीक है ना दोस्तों, इसके बाद में बाक धन नेमा, तो इसका हो जाएगा वांग नेमा, वांग महिमा। ठीक है ना दोस्तों, अब विकल्प से भी करो इसको, मतलब पंचम वर्ण आ गया, पंचम वर्ण करना है अनुनासिक संधि में। ठीक है ना दोस्तों, अब इसके बाद में इसका बाग महिमा महिमा। ठीक है ना, अब इसके बाद में पृथक धन नरेंद्र, तो क के स्थान पर क्या होगा दोस्तों, पंचम वर्ण आ जाएगा, तो पृथक धन नरेंद्र। ठीक है ना, नरेंद्र। अब इसका दशत्व करेंगे तो क्या बनेगा, पृथग नरेंद्र, पृथग नरेंद्र नरेंद्र।
ठीक है ना, यानी कि यहाँ पंचम करना है और जसत्व वाले वहां विकल्प से तृतीय करना है, ठीक है ना। अब इस यदि आगे प्रत्यय रहे तो क्या करना है दोस्तों, देखो चित्त धन मात्रम, तो इसके पे क्या करना है, चित्त मान मतलब पंचम वर्ण करना है, तो इसका हो गया चीन मात्रम मात्रम, ठीक है ना दोस्तों। अब इसका जैसे इनके इसका पंचम वर्ण आ जाएगा त का, तो त थ ग ध न, ठीक है ना। अब इसके बाद पाक धन मात्रम, बाघ धन मात्रम का क्या होगा, यानी कि वाहन मात्रम, ठीक है ना, यानी कि इसमें पंचम वर्ण ही करना है। अब ऐसे दिग धन मात्रम, तो लिंग मात्रम, ठीक है ना दोस्तों, लिंग मात्रम, ये हमारा जो है अनुनासिक संधि में इसमें प्रत्यय आ गया है तो भी ऐसे ही होगा, और यानी कि एक दो तीन चार पाँच स और क्या यह वाला लग स्थान पर क्या हो जाएगा दोस्तों, पंचम वर्ण कर देंगे, और जसत्व संधि में हमने क्या किया था, तृतीय वर्ण कर दिया था, ठीक है ना दोस्तों। अब इससे आगे देखते हैं, देखिए दोस्तों चित्त धन मय, यानी कि त के स्थान पर पंचम वर्ण आ जाएगा, तो इसका बन गया ची न म य म, ठीक है ना दोस्तों, इसका क्या बन गया चिन्मय। बाक धनमय, बाक धनमय, तो इसके स्थान पर पंचम वर्ण करना है क ख ग घ, यानी कि तो इसका बन गया बाक मयम, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद में विराट मयम, तो ट का पंचम वर्ण क्या होगा, ट ठ ड ढ ण, ठीक है ना, विराट यानी कि अण आ जाएगा विराट मयम मयम, ठीक है ना। और इसका क्रियत यानी कि कियत प्लस मयम, तो इसका हो जाएगा कि य मयम, ठीक है। अप धन मयम का क्या हो जाएगा दोस्तों, प के स्थान पर प फ पंचम वर्ण आ जाएगा, प फ ब भ म, तो इसका पंचम वर्ण क्या हो जाएगा दोस्तों, अ म य म, इसका हो गया दोस्तों अम्य। अब मृद धन मयम, तो द कौन सा वर्ण है, इस स्थान द के स्थान पर क्या करना है, पंचम वर्ण करना है, पंचम वर्ण कैसे होगा, मृ तो त थ ग ध न, न पंचम वर्ण होगा, तो मृन मयम, ठीक है ना दोस्तों। यानी कि हमारी अनुनासिक संधि में है यानी कि पंचम वर्ण करना है, यानी कि यर वर्ण जो भी हो उसके स्थान पर हमें पंचम वर्ण करना है दोस्तों, है ना। जैसे चिन्मयम, वांग्मयम, विराणमयम, है कियन्मयम और अम्बनयम और मृगमयम, ठीक है ना दोस्तों। ये हमारी कौन सी संधि होगी, अनुनासिक संधि। इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, है ना, लेकिन अब आज की हमारी अनुनासिक संधि इस यहाँ पर पूरी होती है। इसके बाद में हम कौन संधि पढ़ेंगे, अनुस्वार संधि। देखिए दोस्तों अनुस्वार पर श्रवण संधि, यानी कि अनुस्वार पर श्रवण क्या होती है, अनुस्वारस्य यही सवर्ण, अनुस्वारस्य यही सवर्ण, यानी कि अनुस्वार के बाद यदि एक दो तीन चार पाँच या यवरलव होने पर पंचम वर्ण हो जाएगा, कौन सा वर्ण हो जाएगा दोस्तों, पंचम वर्ण हो जाएगा। कब होगा, तब अनुसार के बाद वर्ग के एक दो तीन चार पाँच वर्ण हो या यव रल
वहु। ठीक है ना दोस्तों, जैसे हम उदाहरण देख लेते हैं, तो अन धन कितः, तो अनुस्वार संधि में क्या बन जाएगा ये अंकितः, और परह सवर्ण में क्या हो जाएगा यानी कि पांचवा वर्ण हो जाएगा, तो क का पांचवा क क ग घ न, तो इसका क्या बन गया अंकितः। ठीक है, अन धन चितः, तो अन धन चित का मतलब अनुस्वार संधि में क्या बन गया अपने अनचितः, और दूसरा वर्ण क्या हो गया अनचितः, यानी कि पांचवा च छ ज झ न। ठीक है, अब जैसे श्याम धनतः शाम धनतः, तो इसका क्या अनुसार में क्या बन जाएगा शांतः, है ना दोस्तों, और इसमें पर सवर्ण में क्या बनेगा शांत, यानी कि मा का पांचवा, है ना पांचवा न आ गया। ठीक है ना दोस्तों, अब आगे देखते हैं अपन, आगे और भी उदाहरण देखते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे दाम धन तो इसका क्या बन गया अनुसार संधि में क्या हो गया मन की जगह पर अनुसार लगा दिया तो दातः। ठीक है, और इसमें जैसे पर सवर्ण करेंगे तो त थ ग घ न, तो वो सवर्ण आ गया दोस्तों, ये अपना पंचम वर्ण न आ गया। ठीक है ना, अब इसके बाद में जैसे गुम प्लस फितः, तो अनुसार में क्या हो जाएगा गुम फितः, और पर सवर्ण में क्या हो जाएगा गुम फितः। ठीक है ना दोस्तों, गुम फितः, ऐसे एक और देखो गम धन ता, तो अनुसार में क्या हो जाएगा यानी कि त थ द घ न, अनुसार क्या हो जाएगा ऊपर आ जाएगा, और इसमें पर सवर्ण में क्या हो जाएगा गंता। ठीक है ना दोस्तों, ये तो हमारी अनुसार पर सवर्ण होगी। इसमें एक और सूत्र आता है जिसका जिसको अपन देखिए दोस्तों, वा पदांतस्य, यानी कि दूसरा सूत्र अपना पर सवर्ण अनुसार का, है ना, तो इसकी क्या कह रहा है कि पदांत की स्थिति में अनुसार पर सवर्ण का कार्य विकल्प से क्या विकल्प से होता है, यानी कि इसमें ये कह रहा है कि पदांत की स्थिति में अनुसार पर सवर्ण का कार्य जो है वो विकल्प से होता है। ठीक है ना दोस्तों, अब अपन देख लेते हैं एक बार उदाहरण, जैसे त्वं करोषि, तो इसका क्या होगा दोस्तों त्वं करोषि, यानी कि अब पंचम वर्ण करेंगे अपन, अनुसार में क्या करेंगे विकल्प से पंचम वर्ण करेंगे त्वं करोषि। ठीक है ना दोस्तों, अब इसके बाद में त्वं चतुरः, त्वं चतुरः, त्वं चतुरः, तो इसका अनुसार क्या हो गया त्वं चतुरः, और इसमें क्या हो जाएगा पर सवर्ण अनुसार में यानी कि पंचम वर्ण हुआ छ छ ज झ य, यानी कि ठीक है ना पंचम, तो त्वं चतुरः। अब ऐसे बात में धर्मम धन चरः, तो अनुसार में क्या हो जाएगा इसका धर्म चरः, है ना, तो इस अनुसार हो जाएगा धर्म चरः। ठीक है ना दोस्तों, अब इसके बाद में इसका क्या करेंगे, तो इसका चर का पंचम वर्ण कर देंगे च छ ज झ य, तो धर्म चरः। ठीक है ना, अब इसके बाद में समधनयन्ता, तो इस माँ को क्या कर देंगे अनुसार संधि में अनुसार लगा देंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो सही संयंता, है ना, तो इसको इसमें क्या करें अनुनासिक कर देंगे, ऊपर अनुनासिक लगा देंगे और पंचम वर्ण यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो गया संयंता। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि विकल्प से ही सारी चीज जो है वो अपने बापदांत सूत्र से क्या हो रहा है विकल्प से सारा कार्य हो रहा है। ठीक है ना, यम धन लोकम, तो यम लोकम, और ये क्या हो गया यल्लो लोकम। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि विकल्प से हम पंचम वर्ण कर रहे हैं, है ना, और इसमें हम कौन सा सूत्र लगा रहे हैं पदांतस्य वा, यानी कि यहाँ पर अनुसार प्रसवन संधि में विकल्प से कार्य होता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।